दोस्तों, सावन का महीना आते ही भक्तगण भोलेनाथ की पूजा में लग जाते हैं। भक्तगण भोलेनाथ की अलग अलग तरीके से भक्ति करते हैं ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद, भगवान शंकर का आशीर्वाद उनके जीवन के ऊपर बना रहे। दोस्तों, कई लोग सावन के महीने में अपने घर शिवलिंग खरीद कर लेकर आते हैं, छोटा हो या बड़ा, और चाहते हैं कि शिवलिंग की स्थापना उनके घर के अंदर हो। लेकिन दोस्तों, उन्हें जगह का पता नहीं होता कि आखिर शिवलिंग को किस स्थान पर रखें ताकि उनके घर के सारे दुख चले जाएं और शिवलिंग जो अपने घर लेकर आए हैं उसका भी किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं हो, बल्कि सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि अगर आप सावन के महीने में या जब भी घर के अंदर शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं, अगर घर में इस जगह शिवलिंग रखते हैं तो आपके घर की गरीबी कोसों दूर रहती है और आपको किसी भी प्रकार का दुख दुनिया देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, हर हर महादेव कमेंट में लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करें, जब भी आप अपने घर के अंदर शिवलिंग लेकर आएं, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, शिवलिंग को लाने का सबसे उत्तम दिन या वार माना जाता है सोमवार। सोमवार के दिन ही आपको शिवलिंग को लेकर आना चाहिए, जिससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और दोस्तों, जितना ज़्यादा संभव हो, अगर आप पत्थर का शिवलिंग लेकर आना चाहते हैं तो आपको काले रंग के पत्थर का ही शिवलिंग लेकर आना चाहिए। और दोस्तों, वह भी शिवलिंग अगर नर्मदेश्वर पत्थर से बना है तो दोस्तों उसके अंदर तो विशेष प्रकार की शक्तियां निर्मित होती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आप पत्थर का शिवलिंग नहीं लेकर आना चाहते तो आपके पास दो विकल्प बचते हैं, एक पारद का शिवलिंग और दूसरा होता है दोस्तों स्टफिक का शिवलिंग। आप या तो फिर स्टफिक का शिवलिंग लेकर आए या फिर पारद का शिवलिंग। स्टफिक दोस्तों कांच की तरह दिखने के अंदर पारदर्शी होता है और इसका शिवलिंग अलग अलग आपकी राशि के अनुसार अलग अलग ग्राम और अलग अलग रति का आता है। तो आपको आपकी राशि के अनुरूप जिस रति का शिवलिंग सूट करता है वह आप लेकर आ जाएं। और पारद का शिवलिंग दोस्तों चांदी की तरह दिखाई देता है, लेकिन पारद दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर पारद के संपर्क में सोना आ जाए तो उसे भी वह पीतल बना देता है। उसका भी दोस्तों वह इतना प्रभाव होता है कि उसे भी वह सोने को भी दोस्तों गलाने वाली धातु अगर कोई है तो पारद है। इससे बना शिवलिंग आपको हर प्रकार का फायदा प्राप्त करवाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं शिवलिंग को रखने की जगह। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, शिवलिंग को कभी भी आप अपने घर के अंदर जमीन पर नहीं रखें। आप जहाँ भी रखें थोड़ी ऊँचाई वाला स्थान हो। और दूसरा दोस्तों, कई लोग अपने घर के पूजा घर में शिवलिंग रखते हैं, किसी अपने प्लेट या आदि के अंदर शिवलिंग को रखने के बाद उसके अंदर जलाभिषेक करते हैं और हर कोई घरों के अंदर इस प्रकार ही करता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जिस पूजा घर के अंदर आपके पितरों की तस्वीर लगी हो, जिस पूजा घर के अंदर तुलसी चढ़ाई जाती हो, जिस पूजा घर के अंदर अन्य देवियों की तस्वीरें हो, वहां पर आपको शिवलिंग रखने से बचना चाहिए। शिवलिंग को आपको अपने घर के पूजा घर में अलग स्थान देना चाहिए और वहां पर शिवलिंग रखें। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, जहां पर शिवलिंग है वहां पर आप दिन में दो बार या एक बार कम से कम जला अभिषेक करें, क्योंकि दोस्तों शिवलिंग ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। तो शिवलिंग के अंदर से ऊर्जाएं निकलती रहती है और जब आप शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करते हैं तो शिवलिंग अपने मन में शांत रहता है। इसीलिए प्रत्येक दिन अगर आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करने वाले हो तो ही आपको शिवलिंग अपने घर के अंदर लेकर आना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, शिवलिंग को रखने की उत्तम दिशा आपके घर के पूजा घर की पूर्व दिशा या फिर पश्चिम दिशा मानी जाती है। पूर्व दिशा में रखें या पश्चिम दिशा में रखें या फिर दोस्तों आग्नेय ईशान कोण के अंदर आपको शिवलिंग को स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको दुख दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता, सारे देव पुष्प वर्षा करते हैं और आपके जीवन के अंदर दुर्भाग्य कोसों दूर रहता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, जहां भी आप शिवलिंग रखने वाले होते हैं वहां पर बाहरी प्रकाश जरूर पड़ना चाहिए, चाहे खिड़की से के माध्यम से आए, वहां कभी भी अंधकार नहीं रहना चाहिए। अगर जहां शिवलिंग रहता है और वहां पर अंधकार रहता है तो दोस्तों वहां पर अपने आप ही भगवान की कृपा देखने को नहीं मिलती। और दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें, जिस स्थान पर शिवलिंग है उस पूजा घर का गेट कभी भी बंद नहीं होता है। आप कपड़े का पर्दा जरूर कर सकते हैं लेकिन गेट बंद करने की गलती आप नहीं करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपको शिवलिंग का फल नहीं मिलता है और साथ ही साथ आपके घर परिवार के अंदर भोलेनाथ के नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए कृपया
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।